नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। जो भी साथी टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें। तो साथियों, क्या खबर है आप देख सकते हैं। अभी दिल्ली में टीचिंग पोस्ट निकली है TGT और PRT की। कितने कितने पोस्ट हैं मैं आपको बता देता हूँ और अप्लाई करने का भी जो पूरी प्रोसेसिंग है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो साथियों, वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो पोस्ट है SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली हुई है और इसमें जो TGT की पोस्ट है वो कितनी है, 521 पोस्ट है और इसमें जो सैलरी होगी 38,100 रुपये। कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलेगा नहीं। और साथियों, एक बात और ध्यान रखें आप, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट की नहीं है। 31/3/2019 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। वो पता नहीं, वो आगे की बात है अगर रखे ना रखे, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 31/3/2019 तक के लिए है, मतलब 2.5 महीने के लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद जो इसमें साथियों सिलेक्शन होगा, हालांकि जो TGT के लिए सारी जरूरत होती है, नीड्स होती है, क्वालिफिकेशन होता है, वो सारा चाहिए। इसमें अलग अलग वैकेंसी भी हैं। इंग्लिश के लिए 95 है, मैथ के लिए 82 है, हिंदी के लिए टोटल 98 है, संस्कृत के लिए 89 है, नेचुरल साइंस के लिए 82 है, सोशल साइंस के लिए 69 है, पंजाबी की इसमें वैकेंसी नहीं है, उर्दू है, उर्दू की 6 वैकेंसी है। तो टोटल हो गई है 521। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट है, इस हिसाब से वैकेंसी है। तो आप साइट पे देख सकते हैं जाके। जो क्वालिफिकेशन है साथियों वो पूरा चाहिए। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखें आप, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 31/3/2019 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे पास कुछ साथियों के मैसेजेस आए थे तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 31/3/2019 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, 38,100 रुपये सैलरी होगी, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा नहीं। क्वालिफिकेशन जो TGT के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारा चाहिए। इसके बाद आप एक बात और ध्यान रखें, जो इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन टेस्ट बेस पे नहीं होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। जैसे 10th है, 10th में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है, 12th है, तो इनमें क्या होता है कि 10th 12th, बीएड, ग्रेजुएशन, सीटेट, तो इनके ना मार्क्स डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10th में 90+ मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स दे दिए, 4 मार्क्स दे दिए, पॉइंट्स में ऐसे मार्क्स देके फिर मेरिट बनाई जाती है। तो इसमें वो साथी अप्लाई करें, मैं सजेस्ट करूंगा जो वो साथी अप्लाई करें जिनकी अच्छी परसेंटेज है, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, सब जगह अच्छी परसेंटेज है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो PRT का भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो PRT है, PRT के लिए इसमें 115 पोस्ट हैं, 115, और ये दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के उस हिसाब से दे रखे हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके इसमें वैकेंसी दे रखी है। तो जो साथी अप्लाई करना चाहता है वो साइट पे देख सकता है। और इसमें क्या है, जो PRT होगा उनके लिए जो सैलरी होगी वो 35,420 रुपये होगी पर मंथ, एक्स्ट्रा अलाउंस उनको भी नहीं दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट उनका भी 31/3/2019 तक के लिए है। और जो क्वालिफिकेशन है वो सारा क्वालिफिकेशन वही है जो PRT वगैरह में आप अप्लाई करते हैं दिल्ली के अंदर। CTET भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद जो सिलेक्शन होगा PRT का भी, वो भी इसी अकॉर्डिंग होगा, मेरिट के हिसाब से, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, तो उस मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा इनका भी। तो साथियों, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 13/1/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा
मेरिट वगैरह से होगी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 18/1/2019 को, मतलब 5 दिन बाद आपका रिजल्ट साइट पे आ जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।